एंटी स्टेब्लिशमेंट पार्टी जो है वो उसके अब जो बुरे दिन है वो बहुत करीब है। एक लेटर जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लोगों के साथ मौजूद है, गाड़ियों पर लगाने के लिए स्टिकर्स, मोटरसाइकिलों पर लगाने के लिए जो, तो अफनान से मैंने पूछा उनके यहाँ पर एक जो है हल्का सा स्क्रैच नहीं होता जैसे जो है वो ऐसे ही लगा जैसे कोई टाइगर साफिर हो रहा है। हाँ जी, जिनके साथ मिलकर ये सब किया था, अब करके भी यदि लंका ढाए हो तो, जिसने साइफर लिखा था असद मुजीद साहब, हाँ जी उनकी भी एंट्री है। इमरान खान की गले की हड्डी है वो, सनम जुगेद की जो है वो हो गई है जमानत, बस 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 सुलह हो गई है, सुलह हुलिया दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे, तो जो हमारी रुख चल रही थी ना वो दोजख की तरफ चल पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तुदवे दजमा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज पहले तो हमेशा से जो पीटीआई की दो नंबरी है उसके ऊपर मुझे बात करनी पड़ेगी। अब मुसीबत यह है कि पीटीआई करती दो नंबरी है, तो उसकी दो नंबरी का आपको पता ना, मैंने ठेका लिया हुआ है आपको उसका सच बताने के लिए, तो उसकी दो नंबरी पे मुझे बात करनी है कि क्या दो नंबरी पकड़ी गई है। और दूसरा जो इमरान खान के बुरे दिन जो है वो आए हुए थे, लेकिन उसके ऊपर फिर एक फेक प्रोपेगंडा हो रहा था और एक जो है वो टूटी तसलियाँ, एक जो है वो एक बाकायदा प्रोपेगंडा हो रहा था कि जी वो बस सुलह हो गई है, बस सुलह होने लगी है, और वो जो एंटी स्टेब्लिशमेंट इमरान खान और उसकी एंटी स्टेब्लिशमेंट पार्टी जो है वो उसके अब जो बुरे दिन है वो बहुत करीब है। तो इसके ऊपर हम आज जो है वो जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले जिस जाली खत एक जो है उसके बारे में मैंने आपको खबर देनी है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सारा वक्त सारा तरफ जो है वो जो जान का बेचारा थर्ड क्लास या जितने भी क्लासे हैं टाइगर साफियों की, वो सब जो है वो एक ही खत को ट्वीट कर करके कर वो कह रहे हैं अफनान उल्ला खान जो है उसकी अफनान की लड़ाई जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स अभी तक चल रहे हैं। और उसका जो है वो एक लेटर जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लोगों के साथ मौजूद है, वो एक जो है वो जाहिर है वो बिस्ती बहुत हो रही थी ना कि भाई बहुत मारा है अफनान ने, बहुत मारा है, तो वो बिस्ती जो है वो कवर करने के लिए बजाय इसके कि उस पर जो है वो बिस्ती महसूस की जाए और अपनी हरकतों को दुरुस्त किया जाए, वो उन्होंने तरीकाकार ये पकड़ लिया कि उन्होंने एक फेक लेटर निकाल लिया, जो हमेशा से वो फेक, आपको पता था ड्रामेबाजी तो खत्म है ना उनके ऊपर, वो फेक लेटर निकाला और उसके ऊपर अफनान की तरफ से जो है वो लेटर में लिखा गया है कि जी वो मुझे बड़ा मारा है और मुझे जख्म आ गए हैं और जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर दो खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। आज अफनान जो है वो एक पार्टी मीटिंग में मेरे साथ मौजूद थे और उसके अंदर जो है वो उस पार्टी मीटिंग के बारे में भी आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़ी भरपूर मीटिंग थी जिसमें पार्टी लीडरशिप जो है तकरीबन जो है वो तमाम मौजूद थी, जिसमें सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, प्रेसिडेंट पंजाब राणा सनाउल्लाह मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक, हाँ उनके बारे में भी आपको पता, बहुत फजूल किस्म की उल्टी सीधी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी और वो भी मौजूद थे। उसके बाद मतलब जितनी भी टॉप लीडरशिप है हमारी इस वक्त वो तमाम मौजूद थी और 21 अक्टूबर के हवाले से जो मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ कमेटीज़ जो बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम क्या होंगे, जो है वो जलसा गाह की तैयारी क्या होगी, जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर, फिर यह है कि उसके ऊपर मीडिया के हवाले से जो है वो भी ब्रीफिंग दी गई, जिसके अंदर जो है वो ये बाकायदा जो एक टूल किट आपने देखी है जिसके ऊपर जो है वो उस पर गाड़ियों पर लगाने के लिए स्टिकर्स, मोटरसाइकिलों पर लगाने के लिए जो है आपकी ट्विटर की डीपीस के लिए, फेसबुक की उसके लिए, पर तो मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप तमाम लोग जो हैं जो पार्टी के सिंपथाइजर्स हैं मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं जहाँ पर भी हैं, आप बराए मेहरबानी ये ब्रांडिंग जो है ये 21 अक्टूबर के हवाले से इसको सब फॉलो करें और अपने तमाम इसको भर दें, पूरा सोशल मीडिया जो है जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको भरा हुआ नजर आना चाहिए 21 अक्टूबर के हवाले से, और उसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की ब्रीफिंग जो है वो भी पार्टी लीडरशिप को दी गई है। तो उसमें प्रोग्राम में जो है वो अफनान भी आए हुए थे, तो अफनान से मैंने पूछा, अच्छा एक अफनान को जो है चूंकि मैंने बहुत करीब से देखा, अफनान के यहाँ पर एक जो है हल्का सा स्क्रैच नहीं होता जैसे आप कोई आप ये कह लें कि कोई चीज़ रगड़ रगड़ सी होती है, बिल्कुल रगड़ टाइप, ब्रूज कोई नहीं है, कुछ नहीं है, एक हल्की सी रगड़ है इस साइड पे। और जो है वो मैंने उसको फिर पूछा, उसने मुझे बहरहाल ये भी आपको एक पहली खबर तो ये है कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो जो उसने अटैक किया अफनान को, अटैक करने की कोशिश की, उसके ऊपर उसने FIR कटा दिया है और उसने जाहिर है अपने सेल्फ डिफेंस में जो वो कर सकता था उसने किया, वो उसके हवाले से FIR दर्ज हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लेटर चल रहा है वो फेक है, अफनान ने ऐसा कोई लेटर जो है
वो नहीं लिखा है, और उस लेटर के अंदर आप अगर उसकी सतर पढ़ लेना तो आपको वैसे ही कोई कॉमन सेंस वाला बंदा हो तो उसको पता चल जाता है ये फेक है। और उसकी वजह यह है कि एक तो वो मुशाहिदुल्ला खान का बेटा है, वो इतना वाहियात लेटर नहीं लिख सकता जिसके अंदर वो उसने जो है वो ऐसे ही लगा जैसे कोई टाइगर साफिर हो रहा है पीटीआई का कि जी मैं मर गया, मुझे मारा, मुझे ये किया। और आपने मतलब फुटेजेस तो गलत नहीं होते ना, मतलब सारी दुनिया जो है वो बता रही है कि और फुटेज बता रही है कि अफनान ना मारो, अफनान ना करो, तो उसको जो है वो उन्होंने अब जाहिर है अपनी खफकी मिटाने के लिए ये हरकत करने की कोशिश की। बहरहाल एक शेर अफजल मरवत साहब ने इसके अंदर से वो जो मैं पता है कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि ये हर एक चीज के ऊपर ना फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा उनको हो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, पहले मेरी छुट्टी हो गई है जो है वो मुझे छुड्डा मार के निकाल दिया गया। तो अब उन्होंने भी यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, उन्होंने कहा कि इसी से मैं जरा यू नो लाइमलाइट ले लूँ और मैं जरा जो है वो एंट्री पा दूँ। तो वो एंट्री पा लिया उन्होंने और वो अपना जो है वो आज से व्लॉग करना लगे हैं। और उन्होंने जो है वो जावेद चौधरी साहब को लीगल नोटिस जो है वो भेजने का उन्होंने ऐलान किया है, जिसको जावेद चौधरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अच्छा है, मतलब जो है वो सच तो सच है। वो आप अब शेर अफजल मरवत की जो है वो गम में घुल घुल के आप जाली लेटर बनाएं, आप जो मर्जी करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली मेन बात के ऊपर जो मैंने आपसे करनी है। इमरान खान को अगर आपको आपने देखा हो कि वो मोहम्मद अली दुरानी, मैंने आपको बताया था मेहमान अदाकार है, उनकी एंट्री हुई, फिर जो है वो मुख्तलिफ और जगहों से वो जो है वो पिंकी पीनी साहब आपको पता है रेड जोन के अंदर मुलाकातें करती फिर रही थी होटलों के अंदर मुख्तलिफ सफीरों के साथ, इनकी लॉबिस्ट फर्म जो हैं वो भी लगी हुई थी, इनके मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सफीरों के घरों में जा जाके मुलाकातें कर रहे थे कि जो है वो इमरान खान को बचाने की कोशिश की जाए। और लेकिन यह है, और फिर उसके बाद ये इंप्रेशन जो है वो क्रिएट किया तमाम टाइगर साफियों ने सबने मिलके कि बेचारों की वैसे क्या जिंदगी है। मैं सोचती हूँ कि इन गरीबों को मतलब बेचारों को नौकरों से भी गई गुजरी हालत है इनकी, कि वो जो फेक है जो मर्जी है वो उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, वो सारे बेचारे जो पीछे लग जाते हैं कि अब वो नौकरी पूरी करने का टाइम आ गया, पता नहीं इनमें से कई तनख्वाहें लेते हैं कि बगैर तनख्वाह के लगे हुए हैं, अल्लाह इनका भला करे। सो इसके ऊपर उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, बस इमरान खान दूसरी दफा वजीर आजम बनने लगा है, बस तब्दीली का जो है वो हो गया, हवाओं के रुख बदल गए हैं और पता नहीं क्या क्या। सो वो कोई भी हवाओं के रुख नहीं बदले, हवाओं के रुख जो है बल्कि ज्यादा दोजख की तरफ हो गए हैं। और जो है वो इमरान खान के जो कारनामे हैं उनको हतमी मराहल में जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, उनके मुकदमात जो है वो हतमी मराहल में दाखिल हो गए हैं, जिसमें दो मुकदमात बहुत तेजी से आपको जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब इनमें से एक केस है साइफर केस के हवाले से, आज आपने खबर देख ली है कि साइफर केस जो है उसका भी चालान जमा करा दिया गया है। और साइफर केस के अंदर जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन दोनों को जो है वो मेन मरकजी मुलजम जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और इनका गवाह कौन है, इनका गवाह है आजम खान, हाँ जी, जिनके साथ मिलकर यह सब किया था। अब करके भेदी लंका ढाए हो तो मतलब वो मुहावरा सही यहाँ पे पूरा आता, तो वो जो है वो गवाह है। लेकिन इसमें से असद उमर साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया, जो मेरे लिए एक कम से कम जो है वो कोई समझ नहीं आई बात की। वो असद उमर जो है जो बकायदा वो ऑडियो भी अगर आपको याद हो ना, जो आजम वाली थी, आजम खान वाली, जिसमें वो जो है वो मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं, असद साहब जो है उनकी भी कॉन्वर्सेशन जो है वो सुनने को मिल रही है कि इसको हम ऐसे बुला लेते हैं फिर इसके हम ये खेलेंगे, और वो कह रहा है नहीं नहीं आवाम को है जो है साइफर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो वो कह रहा था नहीं नहीं खत का रहे खेती बड़ी जरखेज है आवाम की तो हमें खेलना कैसे। तो उस पर असद उमर साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया, वो क्यों डिस्चार्ज किया गया क्या गया मेरी समझ से बाहर है। सो बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट जो उन्होंने 27 मार्च को बड़ी आपको पता ना उनको भी बहुत तेजी से तब्दीली चढ़ी हुई थी, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जो सियासत है उसको भी बेड़ा गर्क कर लिया और जो है वो साजिशों के अंदर जो है वो शामिल रहे। और इमरान खान की भी जो तकरीर है उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो शामिल कर दिया गया है। कोई सुना है कि 28 के करीब गवाहान जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जिसने साइफर लिखा था असद मुजीद साहब, हाँ जी, उनकी भी एंट्री है। और असद जो मुजीद साहब है वो भी इसके ऊपर जिनको जिनका ये साइफर है जहाँ से जिसने कहानी शुरू हुई थी, और वो जो है वो साजिश और जो मुदाखलत है उसके बीच में वो फर्क समझाएंगे मेरा ख्याल है अपनी गवाही के अंदर। और वो आपको याद है ना बेचारे तरीके फसाद करते, साइफर एक हकीकत, साइफर एक हकीकत, आज मैं उनको बताना चाहती हूँ बिल्कुल साइफर एक हकीकत है। और वो हकीकत जो है वो इमरान खान ने अपने हक के लिए अपनी गनौनी गंदी सियासत के लिए जिस तरह से इस्तेमाल की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर, उसका अब जवाब देने का वक्त इमरान खान का आ गया है। सो अब ये जो
चालान पेश हुआ है जिसमें कसूरवार ठहराए गए हैं। अब जो है इनके ऊपर केस मजीद प्रोसीड होगा और इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि आजम खान, असद मजीद और मुख्तलिफ और लोग जो है वो गवाही देंगे। दूसरा केस जो इमरान खान की गले की हड्डी है वो है 9 मई, और 9 मई के ऊपर भी आपको याद होगा कि वो इमरान रियाज बाहर आ गया है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कुछ होने वाला है जी, बस वो सुलह हो गई है, वो सनम जवेद की जो है वो हो गई है जमानत, बस 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 सुलह हो गई है, सुलह हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट का दिल नरम हो गया है, दोबारा से जो है वो माफ करने के बारे में सोचा जा रहा है। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ओ दिन डुबा जो तो कोड़ी चढ़े कुबा पता ही है आपको, तो वो नहीं हो रहा और सनम जवेद भी बाहर नहीं आई, और जो है वो इमरान रियाज साहब जो है चले जिक्र हो ही गया है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान रियाज साहब जो है वो अपने बाल क्यों नहीं कटा रहे या वो अपना हलिया हलिया दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे, इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस है समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि सारे पजे जा रहे हैं, जिनको तो खैर घास डाली जा रही है वो जा रहे हैं और वो जा जा के जो है वापस आ रहे हैं अपने अपने वीलॉग करने के लिए, मतलब इमरान रियाज का शायद ही कोई रह गया है जो इमरान रियाज से सिर्फ वीलॉग करने के लिए मुलाकात करके नहीं आया, सबने जो है वो आके वीलॉग किए, वो इमरान रियाज की सेहत, उससे मोहब्बत, वो सब कहीं बैकग्राउंड में, तो सब जो है वो अपने वीलॉग्स के लिए जो है उससे मुलाकात करने जा रहे हैं, वो बेचने की कोशिश करनी है जा रहा है, आपको पता नहीं इनको को बंदा चाहिए होता है बेचने के लिए। सो और जिनको नहीं बुलाया जा रहा बेचारे, तो निके निके गंजे मुझे छोटे मोटे वो जो है वो बेचारे वो कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, वो हमें इमरान रियाज भाई की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उनको फैमिली के साथ टाइम देना चाहिए, उनको जो है प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। वो एक्चुअली ये कि उनको बुलाया नहीं जा रहा ना, उनको घाने डाली जा रही, तो ये बात है। सो वो ये भी स्टोरी है, तो वो जो जो हमारे रुख चल रही थी ना वो दोजख की तरफ चल पड़ी है, और इमरान खान, सनम जावेद, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और ये बहुत सारी जो गसीजा शाह, इन तमाम खवातीन को जो है वो कसूरवार ठहराया गया है चलान के अंदर, जो JIT ने चलान जमा कराया है, और इमरान खान 9 मई के केसेस के अंदर जो है वो कसूरवार जो है उनको डिक्लेयर किया गया है। अब ये तमाम केसेस जो हैं ये इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी अदालत के अंदर चलेंगे या मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेंगे, मेरे ख्याल है जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला नहीं आता तब तक ये शायद एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में ही चलेंगे, लेकिन वो जिनको था ना कि इमरान खान की बस सुलह होने वाली है, अब दूसरी दफा वज़ीर आज़म बनने लगा, पहले पाई उन्हें मुश्किल से कट करा लो ना, मोक्कल पीरनी साहबा के काम आ रहे हैं ना, जो है वो इमरान खान का जो वो प्यार मोहब्बत के गाने वो गा रहे हैं, जो मजलूम की दास्तान वो सुना रहे हैं ना, वो काम आ रहे हैं ना, इमरान खान के प्रोपेगेंडिस्ट काम आ रहे हैं ना, टाइगर साथियों का रोना पिटना काम आ रहा है। इमरान खान के बुरे दिन जो है और पाकिस्तान के 6 दिन जो है वो बहुत करीब हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जैसे जैसे इमरान खान अपने अंजाम के करीब पहुँचेगा वैसे वैसे पाकिस्तान अपनी मुश्किल से निकलेगा, और इसमें बिल्कुल कोई और दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बातचीत होगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।